नमस्कार, मंत्रालय एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ वैश्क गौरी। मंत्रालय एक्सप्रेस में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश मंत्रालय से जुड़ी तमाम प्रशासनिक खबरों की, जिसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे स्टेट ब्यूरो हेड अनिल सिंह कुशवाहा जी। तो वहीं छत्तीसगढ़ मंत्रालय की जानकारी देंगे संपादक मनोज सिंह बघेल जी। तो चलिए शुरू करते हैं मंत्रालय एक्सप्रेस और सबसे पहले रुख मध्य प्रदेश के मंत्रालय का। शुरुआत करेंगे कैश संकट से। प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टर भी परेशान हैं। मुख्य सचिव डीपी सिंह ने आज परख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब स्थिति जाननी चाहिए तो ज्यादातर कलेक्टरों ने बताया कि कैश का भारी संकट है। कैश नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सीएस को बताया गया कि एटीएम खाली होने से बैंकों में लंबी कतारें लगी रहती हैं और लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर शॉर्टेज को लेकर ज्ञापन भी दे रहे हैं। इस पर मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को आरबीआई और बैंकों के नोडल अधिकारियों के फोन नंबर देते हुए कहा कि ऐसे हालातों को सुधारने के लिए वे सीधे बात करें और जिले के लिए कैश की डिमांड बताएं। लाइव जोड़ गए हैं स्टेट ब्यूरो हेड अनिल सिंह कुशवाहा जी, जिनके साथ चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत। अनिल जी, जो हालात हमने नोटबंदी के वक्त देखे थे, ठीक उसी तरह के हालात अब हम फिर से देख रहे हैं, जो कैश का संकट न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रहा है। सीएस ने परख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम कलेक्टरों से चर्चा की है, क्या अल्टरनेट और क्या निराकरण निकलता हुआ देख रहे हैं, कब तक समस्या का निराकरण हो जाएगा? देखिए रस्क, परख का जो आयोजन होता है एक तरीके से सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, व्यवस्थाएं, उसकी समीक्षा करने के लिए चीफ सेक्रेटरी बात करते हैं कलेक्टरों से। आज जब चीफ सेक्रेटरी ने परख शुरू किया और जब योजनाओं की बात की तो कैश का संकट इस परख में भी सामने आया। कई जिलों के कलेक्टरों ने कहा, चाहे वो ग्वालियर के कलेक्टर हों, सागर के हों, सतना के हों, रीवा के हों या भिंड ग्वालियर तरफ के हों, हर कलेक्टर का यही कहना था कि इस समय कैश का संकट है, लोग परेशान हैं और बैंकों का कोई ठीक से जवाब नहीं मिल रहा है। कलेक्टर इसीलिए भी परेशान है क्योंकि लोग एटीएम पहुंचते हैं तो एटीएम में पैसा नहीं मिलता है, फिर ये बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लग रही है। ठीक आपने कहा कि जब नोटबंदी हुई थी उस समय आपने बैंकों में लंबी लाइन देखी थी, उसी तरह की लाइनें कई जगह नजर आ रही हैं। और इसके पीछे एक वजह यह भी है कि शादियों का सीजन है और इस समय कैश की आवश्यकता पड़ती है, तो बैंकों में जब एटीएम में कुछ नहीं मिलता, बैंकों से ठीक से जवाब नहीं मिलता, तो लोग कलेक्टर के पास पहुंचते हैं। कलेक्टर चूंकि जिले का मुखिया है, अब कलेक्टर के पास कोई जवाब नहीं होता, वो कैश की व्यवस्था कैसे करें क्योंकि बैंकों से संतोषजनक जवाब मिलता नहीं है। तो आज जब परख में चीफ सेक्रेटरी इन सब बातों को लेकर बात कर रहे थे तो कलेक्टरों ने बड़े साफ साफ लफ्ज में कहा कि भाई कैश नहीं है और जनता बड़ी परेशान है, और जनता परेशान है तो कलेक्टर में भी भीड़ लग रही है, ज्ञापन दिया जा रहा है, धरना प्रदर्शन जैसे कानून व्यवस्था की स्थिति बन सकती है। तो चीफ सेक्रेटरी ने भी सिर्फ यही कहा कि वो आरबीआई के अधिकारियों के और नोडल अधिकारियों के नंबर दिए हैं और इनसे आप सीधी बात करें और कैश की डिमांड उनको बताएं, लेकिन हल मिलता कोई नजर नहीं आया। तो यानी कह सकते हैं कि कैश का जो संकट है आरबीआई नहीं, राज्य सरकार के लिए भी चुनौती का विषय बन चुका है, एक लॉ एंड ऑर्डर का विषय बन चुका है। कई जगह सूचना ये आ रही है और डीजीपी को माफ करना, सीएस को यह कहना पड़ रहा है कि जरूरत पड़े तो पुलिस बल की व्यवस्था भी बैंकों में लगाई जाए ताकि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना बने बिगड़ने की। तो कह सकते हैं कैश का संकट परख परख में घुस रहा है, प्रशासन भी परेशान है, कलेक्टर भी परेशान है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बीसी त्रिपाठी ने सौजन्य भेंट की। त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में कंपनी की प्रचलित गतिविधियों और प्रगतिवत परियोजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव नीलम शमी राव, एस के मिश्रा, आयुक्त जनसंपर्क पी नरहरि, गेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ए के जना और एस एम सिंह भी मौजूद थे। अनिल जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बीसी त्रिपाठी की आज ये जो मुलाकात हुई है, किस तरह की ये पूरी मुलाकात रही है और इस मुलाकात के आखिर क्या मायने निकालने चाहिए? देखिए रस्क, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश में दौरे हैं, काफी व्यस्तता है, मुख्यमंत्री अभी भोपाल से बाहर है, सुबह जब वो रवाना हो रहे तो गेल के अध्यक्ष से जरूर वो मिले। गेल अपने आप में एक बहुत बड़ा उपक्रम है, सरकारी उपक्रम है, और गेल के अध्यक्ष का मुख्यमंत्री से मुलाकात अपने आप में मायने रखती है। मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर निवेश होनी है उसको लेकर भी गेल अध्यक्ष का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया है। इसके अलावा गेल मध्य प्रदेश के विकास में किस तरह योगदान दे सकती है, या गेल के जो मध्य प्रदेश में जो और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो या निर्माणाधीन है या प्रोसेस में है, वो किस तरीके से मध्य प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकती है, इन सारे मुद्दों को लेकर डिस्कस हुआ है
और निश्चित तौर पर ये जो आदान प्रदान हुआ उससे एक जो औद्योगिकरण की जो मध्यप्रदेश आगे बढ़ रहा है वहां कहीं ना कहीं इसको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। मध्यप्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी लगभग आज मौजूद रहे, गेल के बड़े अधिकारी तो मौजूद थे ही, इसके अलावा जो दो दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज मौजूद रहे और जनसंपर्क जो कमिश्नर हैं पी नरहरी वो भी खास तौर से मौजूद थे, क्योंकि पी नरहरी के पास काफी प्रशासनिक अनुभव है और उसका लाभ तमाम कड़ियां जोड़ने के लिए सरकार लेना चाहती है। तो कह सकते हैं औद्योगिकरण की दिशा में गेल जैसे एक बड़े उपक्रम, सरकार का जो उपक्रम है उसके चेयरमैन अगर इस तरह की बात करते हैं और सारी चीजों को क्लियर करते हैं, एक ब्लू प्रिंट पेश करते हैं, तो निश्चित तौर पर मध्यप्रदेश को आगे इसका लाभ मिलेगा। जी चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडला दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान वो मंडला जिले के रामनगर में ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। सभा में लोगों को लाने ले जाने के लिए लगभग 2000 बसों की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सरकार से 5,35,00,000 रूपए की डिमांड की है। विभाग ने व्यवस्था बनाने के लिए 27 कलेक्टरों को भी टारगेट किया है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडला दौरे की तैयारियां जो शुरू कर दी है। अनिल जी, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडला दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछली बार की भी अगर हम बात करते पिछले साल की तो भी इसी वक्त प्रधानमंत्री का दौरा था। इस दौरे के आखिर क्या मायने निकाले जाएं और साथ ही क्या कोई बड़ी सौगात इस क्षेत्र को मिल सकती है, क्योंकि काफी पिछड़ा जो अगर हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की भी अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में उनकी बहुलता ज्यादा है। देखिए रस्क, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जिस राज्य में भी होता है तो निश्चित तौर पर वहां के लिए काफी गौरव की बात मानी जाती है। यहां से ग्राम सभा का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, 24 अप्रैल को उनको आना है। यहां आकर वो ग्राम सभाओं को लेकर क्या ऐसी घोषणाएं केंद्र सरकार की ओर से करते हैं या क्या ग्राम सभाओं को लेकर मोदी के मन में क्या चल रहा है वो सारी बातें स्पष्ट होंगी। वो उसके लिए मध्यप्रदेश की धरती जो मंडला है वो इस बात को लेकर गवाह बनेगी। अब प्रधानमंत्री चूंकि हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, उनकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा है, सबसे पॉपुलर नेताओं में माने जाते हैं और ऐसे में उनकी तैयारियों में कोई कोर कसर सरकार नहीं रखना चाहती। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका अपने आप को प्रशंसक बताते हैं, यानी मोदी के प्रशंसक, बड़े प्रशंसक शिवराज जी अपने आप बताते हैं। तो ऐसे में सरकार हर वो तैयारियां करना चाहती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भीड़ जुटा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश से खुश होकर जाए। तो ऐसे में 2000 से ज्यादा बसों की व्यवस्थाएं सरकार करने जा रही है और इसका जिम्मा दिया गया है ग्रामीण विकास विभाग को और ये जिम्मा संभालते हैं मध्यप्रदेश के जो मंत्री हैं गोपाल भार्गव। तो ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग ने अपना पूरा तैयारियों का एक मास्टर प्लान सामने रख दिया है और इसमें कहा गया कि 2000 से ज्यादा बसें लगेंगी, यानी कि लाखों की संख्या में जो प्रदेश भर से लोग जो हैं, चाहे ग्राम पंच हैं, सरपंच हैं, ग्राम सभाओं के तमाम लोग हैं, वो मंडला के रामनगर पहुंचेंगे और मोदी का उद्बोधन जरूर सुनेंगे। मोदी क्या संदेश देते हैं वो पूरे प्रदेश में ताकि सर्कुलेट हो सके। ऐसे में तमाम जो और हैं, जो इतने सारे लोग आएंगे तो उनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और जो तंबू वंबू तमाम जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो कहां से हो, क्योंकि 5.5 करोड़ रुपए तो सिर्फ वाहन व्यवस्था के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने मांगे हैं, लेकिन ये तमाम जो और व्यवस्थाएं भोजन वोजन ये भी काफी करोड़ों में जाता है। तो ऐसे में 27 जिलों के कलेक्टरों को ये जिम्मेदारी दी गई है, उनके लिए टास्क तय कर दिए गए हैं कि किस कलेक्टर को क्या करना है, यानी कि सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। चुनावी बेला में ये सभा हो रही है और ये मध्य प्रदेश व्यापक स्तर पर सभा है, क्योंकि गांव में जैसा सरकार के जो इंटेलिजेंस जो मानना है, आरएसएस का जो इंटेलिजेंस है या बीजेपी का खुद का जो इंटेलिजेंस है वो जो कह रहा है कि गांव में एंटी इनकम्बेंसी की लहर काफी है, तो मोदी का जो आना और मोदी की जो अपील करना, मोदी का जो संदेश देना वो कहीं ना कहीं इस एंटी इनकम्बेंसी को कम कर सकता है। इसका भरपूर फायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उठाना चाहते हैं, मोदी जी की लोकप्रियता का लाभ लेना चाहते हैं, इसीलिए यह तय हुआ है कि भारी से भारी भीड़ जुटाई जाए और ताकि मोदी का संदेश उन तक पहुंचे और सरकार को उसका कहीं ना कहीं आगे भी लाभ मिले। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। राज्य सरकार ने तमाम शिकायतों के चलते अंततः मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की रजिस्ट्रार अंगूरी देवी को हटा दिया। उनकी सेवाएं इंदौर की नर्सिंग महाविद्यालय में सिस्टर ट्यूटर पद पर वापस कर दी गई। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अब नर्सिंग कॉलेज इंदौर की ही सिस्टर ट्यूटर जस्सी फिलिप को नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार पद का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। अनिल जी, अंगूरी देवी के को लेके क्या कुछ शिकायतें थी जिसके चलते इनको पद से हटा दिया गया है, और अगर वही अगर हम बात करें सिस्टर ट्यूटर जस्सी फिलिप की जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्या कुछ इनकी उपलब्धियां? अंगूरी देवी को लेकर कई सालों से शिकायतें चल रही थी, सरकार ने अंततः उनको हटाया तो अपने आप में एक बड़ी खबर है
और रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नर्सेस को लेकर जो तमाम चीजें हम देखते हैं, उनकी ट्रेनिंग को देखते हैं, उनके एग्जाम को देखते हैं, उनके दाखिले को लेकर देखते हैं, इन तीनों चीजों को लेकर कई समय से शिकायतें की जा रही थी। लेकिन अंगूरी देवी का भोपाल में इतनी पकड़ थी, ब्यूरोक्रेसी में इतनी पकड़ थी कि इतनी तमाम शिकायतों के बाद भी उनको हटाया नहीं जा रहा था। अब जाकर इतने समय बाद हटाया है तो निश्चित तौर पर तकनीकी शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं प्रेशर में था, सरकार का कहीं ना कहीं दबाव था, और ऐसे में अब अंगूरी देवी को हटाया तो कह सकते हैं जो माफिया जो काम कर रहा था, जैसा इन पर आरोप लगता रहा, हम आरोपों की बात कर रहे हैं, आरोप उन पर यही था कि माफिया जो काम करता है उसके कई एजेंट हैं, और वो एजेंट बाया इनके सारे पूरे मध्य प्रदेश में नेक्सस खड़ा किए हुए थे, और जिस कारण ये व्यवस्थाएं जिस उद्देश्य से ये पूरा नर्सेस का काम चल रहा था इंस्टीट्यूट का वो ठीक से नहीं हो पा रहा था, कई जगह बहुत सारी शिकायतें इस कारण भी थी। तो अब सरकार ने अंगूरी देवी को वापस, चूंकि वो डेपुटेशन पर आई थी तो उनको वापस अब इंदौर पदस्थ कर दिया है, जहां से वो आई थी वहीं उनको वापस भेज दिया गया है, और उसी के उन्हीं के समकक्ष जो है उनको अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब नया रजिस्ट्रार कौन होगा, चूंकि ये काफी महत्वपूर्ण महकमा है, हेल्थ से जुड़ा महकमा है, नर्सेस तैयार करने वाला महकमा है, एक भावी प्लान पेश करने वाला मध्यप्रदेश का महकमा है, तो ऐसे में रजिस्ट्रार में सरकार को जल्दबाजी नहीं करना चाहती, योग्य व्यक्ति को लाएगी, लेकिन तब तक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने कड़ी कार्रवाई कर दी है। शुक्रिया अनिल जी चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण मंत्रालय की जानकारी देने के लिए। बहरहाल मंत्रालय एक्सप्रेस में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ मंत्रालय। देश में 1.5 साल बाद एक बार फिर क्यों नोटबंदी जैसे हालात, कैशलेस एटीएम के बीच प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना कैसे हो पाएगा पूरा, कैश की किल्लत, वित्तीय कुप्रबंधन या कोई साजिश, जनता मांगे जवाब में आज का मुद्दा अब नकद बंदी, देखिए आज रात 8 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। छोड़ जाता है, जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवाला रोज रात 9:30 बजे करेंगे छत्तीसगढ़ मंत्रालय का। सीएम डॉक्टर रमन सिंह कल शाम से कर्नाटका के दौरे पर हैं, जिसके चलते आज सीएम हाउस में आयोजित होने वाले साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। जनदर्शन स्थगित होने की पूर्व सूचना के बाद भी कुछ लोग सीएम से मुलाकात करने के लिए सीएम हाउस पहुंचे हुए थे, लेकिन सीएम के राजधानी से बाहर होने की जानकारी मिलने पर ये लोग पुनः वापस लौट गए। लाइव जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल जी, जिनके साथ चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत मनोज जी, सीएम डॉक्टर रमन सिंह कर्नाटका के दौरे पर हैं, बेहद ही खास ये दौरा बताया जाता है क्योंकि कर्नाटका में चुनाव है, लेकिन लगातार अगर हम एक पखवाड़े से अगर नजर डालते हैं तो जनदर्शन कार्यक्रम जो सीएम हाउस में हर गुरुवार को होता है वो हर बार स्थगित हो रहा है। क्या कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जो जनदर्शन में जो लोग पहुंच रहे हैं अपनी तमाम समस्याओं को लेकर उनकी समस्याओं का भी निराकरण हो जाए, और किसी कारणवश अगर ये जनदर्शन अगर स्थगित हो रहा है तो उस हानि इन लोगों को ना पहुंचे।
देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है। इस बारे में हमने भी कई बार इस संबंध में जो मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी हैं उनसे इस संबंध में बात की है कि चूंकि जनसंपर्क विभाग द्वारा इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाता है कि इस सप्ताह जनदर्शन स्थगित किया गया है और ये संभव भी नहीं है। मुख्यमंत्री काफी व्यस्त रहते हैं और कई बार गुरुवार के दिन उनका कहीं बाहर का दौरा हो गया या फिर यहीं पे कुछ जरूरी काम हो गए, शासन प्रशासन से संबंधित काम हो गए, तो इस संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में हमने भी मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन उनका कहना था कि जो जो लोग जनदर्शन में मिलने आते हैं वो केवल और केवल मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, उसके अलावा किसी और से वो नहीं मिलना चाहते। यही कारण है कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई जाती है और इस बात की सूचना कि इस बार गुरुवार में मुख्यमंत्री रायपुर में उपलब्ध नहीं होंगे या फिर रायपुर में है और किसी बहुत ही जरूरी काम में व्यस्त है, मसलन कोई केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आ गए या और कोई बड़े वीआईपी दौरे यहाँ पे हो गए या फिर विधानसभा का काम चल रहा है, तो इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण काम यदि रहते हैं तो उसी दौरान ही जनदर्शन स्थगित किया जाता है, नहीं तो हमेशा ये व्यवस्था रहती है। इसके अलावा अभी हाल में एक और बात सरकार की ओर से आ रही है कि अभी लोक सुराज अभियान के तहत सीएम खुद गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे थे। इसके अलावा मई के दूसरे सप्ताह में विकास यात्रा सरकार निकालने जा रही है, उसमें भी मुख्यमंत्री पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण करेंगे, सभी 90 विधानसभा में जाएंगे और वहां के लोगों से मेल मुलाकात, उनकी समस्याएं सुनेंगे, सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। तो ये तमाम तर्क सरकार की ओर से दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हर बार ऐसा होता है कि जब जब जनदर्शन स्थगित होता है तो 20-25 ऐसे लोग पहुंच ही जाते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं रहती, उनको तो बस एक ही बात का इंतजार रहता है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री आसानी से उपलब्ध रहते हैं और उनके सामने अपनी समस्याएं रखने पे उसका समाधान तत्काल हो जाता है। तो इसी प्रत्याशा में लोग पहुंचते हैं और निराश होकर वापस लौटते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे एडीजी पवन देव के मामले को लेकर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर बी.बी.आर.सुब्रमण्यम और डीजीपी के बीच जमकर बहस होने की खबर है। इस बात की मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय में जमकर चर्चा है। दरअसल पवन देव मामले में IAS वेणु पिल्ले की अध्यक्षता वाली शाखा कमेटी की जांच की थी और इस जांच में एडीजी पवन देव यौन उत्पीड़न मामले का दोषी पाया गया था, लेकिन बीते 1.5 साल बाद भी विशाखा कमेटी की रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मनोज जी, आखिर क्या वजह बताई जाती है कि विशाखा कमेटी की रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिस तरह से सचिव डॉक्टर बी.वी.आर.सुब्रमण्यम और डीजीपी के बीच जो जमकर बहस हुई है ये कितनी जायज है? देखिए, इस बात की जमकर चर्चा है। पिछले 2 दिनों से मंत्रालय में, पुलिस मुख्यालय में इस बात को लेकर चर्चा है कि एडीजी पवन देव, जिनको विशाखा कमेटी ने दोषी ठहराया था कि यौन उत्पीड़न की जो उनके खिलाफ शिकायत हुई थी और उस मामले में बकायदा जो प्रमुख सचिव स्तर के उस समय अधिकारी थी रेणु जी पिल्ले, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, कमेटी ने पूरी जांच की थी और अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी और उस जांच रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इस पूरी जो शिकायत है वो सही है और कहीं ना कहीं जो पवन देव है वो इस मामले में दोषी है, ऐसा स्पष्ट टिप उसमें लिखा हुआ है। और ये विशाखा कमेटी की रिपोर्ट पर जो है पिछले 1.5 साल से विचार विमर्श किया जा रहा है। इस दौरान जब पवन देव IG थे उनका प्रमोशन होकर ADG भी बन गए, लेकिन इस बीच में पीड़िता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और वहां से न्याय की मांग की थी। अभी करीब महीना भर पहले, 35-40 दिन पहले करीब हाईकोर्ट ने कहा था कि 45 दिन के भीतर इस पूरे मामले को निराकृत करें और हाईकोर्ट ने गृह विभाग के जो प्रमुख हैं VVR सुब्रमण्यम उनको नोटिस जारी किया था और ये कहा था कि 45 दिन के भीतर इसका निराकरण करें। तो इसी के को निराकृत करने के लिए जो फाइल चली है उसमें DGP और ACS के बीच मतभेद की स्थिति बन गई है। ये चर्चा है मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय में कि DGP AN उपाध्याय जो है वो पवन देव को बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अभिमत उसमें अपना लिख दिया फाइल में कि इसमें विभागीय जांच की अनुशंसा कर दी जाए और विभागीय जांच के जो निष्कर्ष आए हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। जबकि दूसरी ओर ACS चाहते हैं कि हाईकोर्ट ने के डायरेक्शन में साफ है कि यदि विशाखा कमेटी ने दोषी माना है तो इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये दो अलग अलग मत हैं दो बड़े अधिकारियों के बीच, एक गृह विभाग के प्रमुख हैं, एक पुलिस विभाग के प्रमुख हैं और दोनों जो है एक कार्रवाई चाहते हैं, दूसरा कार्रवाई नहीं चाहते और यही बात पूरे मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर को रुख करेंगे।
संचार क्रांति योजना के तहत प्रदेश में जल्द ही स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा और इसके तहत दो चरणों में 50 लाख स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। प्रदेश के 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामीण परिवारों की महिला प्रमुख को लगभग 40 लाख स्मार्टफोन और शहरी गरीब परिवार की महिला प्रमुख को लगभग 5 लाख स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मनोज जी, क्योंकि इसी साल प्रदेश में चुनाव है और संचार क्रांति के चलते जिस तरह से 50 लाख स्मार्टफोन बांटने का जो लक्ष्य यहाँ पर राज्य सरकार ने निर्धारित किया है, क्या एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश? निश्चित तौर पर कोशिश यही है, लेकिन हर कोशिश के पीछे एक बड़ी ठोस वजह होती है। सरकार का ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया है और अधिकतम डिजिटलाइजेशन की बात की जाती है और इसके तहत चूंकि स्मार्टफोन से आजकल सभी काम जो है हाथ से ही हो जाते हैं, इसलिए इसी आधार पर डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोबाइल बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत बकायदे हर ग्राम पंचायत स्तर पे टावर लगाए जा रहे हैं जिससे पूरे राज्य में 100% कनेक्टिविटी हो, लोग आसानी से वहां पर नेट चला सके और उसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। लेकिन मुख्य बात यही है कि इस साल चुनावी साल है, नवंबर में चुनाव होने हैं, 50 लाख लोग जिनको स्मार्टफोन मिलेगा, जो आमतौर पे जिनकी वर्तमान में उतनी हैसियत नहीं है कि वो स्मार्टफोन धारण कर सकें, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को निशुल्क स्मार्टफोन बांटने जा रही है। इसके लिए बकायदा टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पूरा काम जो है रिलायंस जियो को दिया गया है, रिलायंस जियो की दर सबसे कम होने के कारण ये टेंडर उसी को मिला है और सभी को न सिर्फ रिलायंस जियो द्वारा स्मार्टफोन दिया जाएगा बल्कि उनको नेट कनेक्टिविटी की भी सुविधा दी जाएगी और इसके तहत लोग जो है वो मनोज जी रोकना चाहूंगी। जिस तरह से उज्ज्वला योजना के तहत पहले जिस तरह से गैस जो कनेक्शन दिए जा रहे थे, पहला सिलेंडर जो रिफिलिंग का था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो इसमें भी क्या प्रोविजन रहने वाला है कि पहले जब कनेक्शन दिया जाएगा तो पहले कुछ वक्त के लिए क्या इनको नेट कनेक्शन और तमाम सुविधाएं फ्री रहेंगी, उसके बाद इनको खुद रिचार्ज कराना पड़ेगा? देखिए, इस बात का खुलासा भी सरकार ने नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है कि रिलायंस जियो जिसको ये टेंडर मिला है तो सरकार की भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये मंशा थी कि चूंकि जियो के प्लान अभी पूरे देश भर में सबसे सस्ते प्लान जियो के हैं और वहां पर एक बार रिचार्ज कराने पे 3 महीने का प्लान दिया जाता है और कई और आकर्षक ऑफर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में देखते हुए रिलायंस जियो के नाम पर ये टेंडर खोला गया है जिससे ग्राहक जो है कुछ समय तक संतुष्ट रह सके। अब ये साफ तौर पे हालांकि सरकारी अधिकारी भी नहीं बता पा रहे हैं कि क्या उनको नेट कनेक्टिविटी हमेशा फ्री दी जाएगी या फिर शुरू में जब उनको कनेक्शन दिया जाएगा उसी समय दिया जाएगा, उसके बाद रिचार्ज की जिम्मेदारी उपभोक्ताओं की होगी या सरकार की होगी, इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। चलिए अगली खबर को रुख करेंगे। प्रदेश में ग्राम स्वराज अभियान के तहत 20 अप्रैल को खाद्य विभाग द्वारा उज्ज्वला दिवस का आयोजन किया जाएगा। उस दिन ग्राम पंचायत विकासखंड जिला स्तर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। मनोज जी, 20 अप्रैल को खाद्य विभाग द्वारा उज्ज्वला दिवस का आयोजन किया जाने वाला है क्योंकि वक्त बेहद कम बचा है, कितनी तैयारी? दिन पहले ये दे दी गई थी कि इस महीने जो पूरे प्रदेश में ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है, सरकार के साथ साथ संगठन के द्वारा भी ये अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत दो बड़े कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य जो है वो केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को दिया गया था। इसके तहत स्वच्छ भारत अभियान दिवस मनाना था, वो अभियान दिवस जो है वो मनाया जा चुका है 2 दिन पहले, और कल जो है एक महत्वपूर्ण उज्ज्वला दिवस मनाए जाने की तैयारी है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में, विकास खंड में और जिला मुख्यालय में ये 3 स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इन 3 स्तर पर जो कार्यक्रम होंगे उसमें जो हितग्राही हैं उनको गैस सिलेंडर उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिया जाएगा और साथ साथ उनको ये बताया जाएगा कि गैस सिलेंडर का उपयोग करने से किस तरह से पर्यावरण जो लगातार प्रदूषित हो रहा है उससे कैसे बचा जा सकता है और इससे कितना सुगमता से खाना बनाया जा सकता है, इन तमाम बातों की जानकारी हितग्राहियों को देने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए मनोज, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मंत्रालय की देने के लिए। बहरहाल मंत्रालय एक्सप्रेस में आज मेरे साथ इतना ही, खबरें लगातार जारी है, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।